पुलिस की गिरफ्त में इस अपराधी को देख लीजिए। इसका नाम डीजे उर्फ दिलशाद है और यह शातिर अपराधी है, कुख्यात अपराधी जिसकी तलाश भागलपुर की पुलिस लगातार कर रही थी। इस पर अपने दोस्त की महज मामूली विवाद में हत्या का आरोप है और यह फरार था। पुलिस इसकी तलाश में थी और इसे आम लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस को हैंडओवर कर दिया, तो पुलिस को राहत मिली कि भागलपुर के हबीबपुर थाना इलाके में सन्नी नाम के एक फेरी वाले की हत्यारा उनके गिरफ्त में आ गया है। दरअसल भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र के किरोड़ी बाजार रोड पर महज 3 दिन पहले अपराधी डीजे ने कपड़ा बेचने वाले मोहम्मद सन्नी को गोली मार दी थी। मृतक सन्नी के परिजनों ने इसी डीजे के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसी बीच यह कुख्यात मृतक सन्नी के घर आकर परिजनों को भी गोली मारने की धमकी देना शुरू कर दिया था। इस घटना के बाद लोग भयभीत हो गए कि भागलपुर में अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है और अपराधी के खिलाफ पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। इसी बीच यह दोबारा मृतक के परिजनों को धमकाने फिर से उनके घर पहुंच गया। बस क्या था, लोगों ने इसे पकड़ लिया। डीजे के पकड़े जाने की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए और उसे तत्काल फांसी देने की मांग पर अर गए और अपराधी को हबीबपुर थाना की पुलिस के हवाले कर दिया। मोहम्मद सन्नी की हत्या में नामजद दिलशाद उर्फ डीजे को गिरफ्तार करने के लिए हबीबपुर इंस्पेक्टर कृपा सागर पुलिस टीम के साथ रविवार के रात से लगातार मुजाहिदपुर, नाथनगर, ततारपुर और रेलवे क्षेत्र में दबिस दे रहे थे। बुधवार की सुबह डीजे के चमेली चक में आने की सूचना पर पुलिस टीम जब पहुंची तो उससे पहले स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया था। दरअसल सरल स्वभाव के फेरी वाले सन्नी की हत्या से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश था। सभी लोग उस निर्दोष की हत्या से गुस्से में थे। पुलिस के साथ साथ स्थानीय लोग भी अपराधी डीजे उर्फ दिलशाद को सबक सिखाने के लिए ढूंढ रहे थे। हबीबपुर पुलिस को गिरफ्तार डीजे को थाना लाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस आगे आगे और पीछे मोहल्ले के काफी संख्या में लोग उत्तेजित होकर उसे अपने कब्जे में लेने को आतुर थे। किसी तरह पुलिस उसे सुरक्षित थाने लाने में सफल रही। डीजे के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में डीजे ने सन्नी की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। पुलिस की पूछताछ में डीजे ने बताया कि 15 दिन पहले किरोड़ी बाजार स्थित स्टेडियम में उसका सन्नी के साथ विवाद हुआ था, मारपीट भी हुई थी। सन्नी के दोस्त मोहम्मद सोनू ने दिलशाद उर्फ डीजे और उसके पिता को बुलाकर सन्नी से समझौता कराया था। दोनों एक दूसरे के गले मिले और सारे गले सिकवे दूर करने की बात कर सन्नी और डीजे वहां से चले गए थे। इसके बाद सन्नी की हत्या डीजे ने कर दी। हत्या के बाद उसके परिजनों को अब धमकाना शुरू कर दिया था। वो चमेली चक का है, मेरे बच्चे लोग अपने आंख से देखी, अपने पिता को मारने में की सैनी पे चहाड़ के मारी ना उसको। मेरा बच्चा लोग रात भर ने सो रहा था, थरथराता रहा था। अम्मी पापा को ऐसे गोली मारी, पापा बाप ही मारा था मेरे को, माफ कर दे बाहर। हम तो लोग कुछ ना करे बाहर, मेरा बच्चा झूला झूला मारे पुलिस। बस 3 गोली लगा दी तुमको सीने में चहाड़ के। दो बाकी स्टेडियम है ना वहाँ पे, ऐसे हंसी मजाक से कोई बात होने लगा। मारी थी उसको, खूब मार दी थी उसको, 3-4 लड़का खूब मिल के मार दी। इनके टाइम को गाली मार लगा के दिए है, इसके नाक से ब्लड गिरने लगा। बस ये भी गाली को अब तक किया ना, बोले तेरे को जान मार के रहेंगे, तेरे को छोड़ेंगे ना, तेरे को कहीं का ना छोड़ेंगे। बस इसी वजह से 2 हफ्ता पहले हुआ था ऐसा कांड। और उसके बाद आज अभी मेरे पास सटाने आया, 3 गो आया था, मेरे को आंख एकदम गबगबा के देखने लगा। बस पितो सताए, मेरी अम्मी सब कुछ चिल्ला के बुलाई तो सब मोहल्ले वाला उसको पकड़ी, सामान लेकर रखा है उसका, सामान है अभी तक मेरे पास गवाह उसका सामान, उसके साथ साथ हम नहीं देखा। वो भाग गया मगर ये पकड़ा ही चला गया। हम लोग इसको पहचानते थे ना,
इसकी चार पहचान के थे हम लोग कि कौन था। अरे ये कितने को ऐसा कर, मेरा रेशमी परवीन है, मेरा तीन बच्चा है, तीन बच्चा, जोन बच्चा मेरा देखी ना वो बहुत रोता रहता रात भर, बोलता पापा को सीने पे चढ़ के मारी ना अम्मी। मेरी बेटी पर दिखा रहा था कि तुमको जान मार देंगे, बहुत ज्यादा तुम बोलती हो एकदम में, सारा चीज बोल लेते हो, सबको सुनाते रहती हो तुम, सब जान मार देंगे। तो बस यार मेरे घर से तुरंत हल्ला करी से मैं गांव समाज एकजुट होकर के पूरा एकदम झूठ हुआ हुआ एकदम में थाना तुरंत कौन प्रशासन को पुलिस को फोन किया तुरंत आ गया वो, न तो एकदम उधर खत्म कर देता उसको, पूरा गांव वाला एकदम उखड़ा हुआ उस पर एकदम में, केदारपुर चमेली चौक एकदम मेमेली चौक हबीबपुर पूरा एकदम बेचारा चार बजे पूरा एकदम उखड़ गया वो, उसको फांसी का सजा होना चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं हमको चाहिए, बस मेरी बेटी का इंसाफ होना चाहिए। बहरहाल अपराधी डीजे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को भी राहत मिली ही, साथ ही मृतक सन्नी के परिजनों को भी उसके दहशत से मुक्ति मिली है। इस अपराधी को गिरफ्तार करने में जो दिलेरी स्थानीय लोगों ने दिखाई, वही हिम्मत बिहार के लोग कर लें तो अपराध पर नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। खुलासा के लिए भागलपुर से रवि कुमार की ये खास रिपोर्ट।